हेलो स्टूडेंट गुड न्यूज टेंथ क्लास के बच्चों की मार्कशीट पे ग्रेड मार्क्स डाले गए होते हैं इस टाइप के तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे मार्क्स का पता नहीं चल रहा क्योंकि हमें जॉब अप्लाई करनी है हमें और भी बहुत सारे काम रहेंगे जहां पे हमारे जो मार्क्स हैं वो ग्रेड मार्क्स में है और बहुत सारे दस बीस सालों से जो मार्क्सशीट आती जा रही है वो ग्रेड मार्क्स में ही होती है और जब हम फॉर्म फिल करते हैं टेंथ क्लास के बेस में वहाँ पे मार्क्स मांगे गए होते हैं तो अपने मार्क्स निकालना मैं अभी आपको सिखा देता हूँ अपने अपने मार्क्स आप खुद निकाल सकते हो तो आपको

दूसरे का इसको मैं इसके है E2, ठीक है ठीक तो E2 का पे बताया है तो मैं अपने हिसाब से इसके सेवनटीन मार्क्स देता हूं ठीक है तो जिन बच्चों को टोटल लिखा हुआ है उनको भी यहां से ही समझ आ जाएगा ठीक है तो आपको बता दूं तीसरे का दिया हुआ है इसका आ... जीरो एट है ठीक है तो सेवेंटी फोर मार्क्स देता हूँ जहां पे ठीक है अपने हिसाब से आप कितने भी दे सकते हो जो जॉब लगती है अपने हिसाब से आप दे सकते हो चौथा कितना है मैं आपको बता देता हूँ चौथा है जीरो फाइव ठीक है तो आपको मार्क्स दे देता हूँ फोर्टी थ्री ठीक है तो फोर्टी थ्री तो आपको अभी भी मुझे पता है नहीं समझ आ रहा मैं आपको फिर भी समझाऊंगा उसके बाद पांचवा है जीरो सिक्स वन आया है फिफ्टी फाइव मार्क्स देता हूँ ठीक है मैं कहाँ से ये मार्क्स दे रहा हूँ आपको नहीं समझ आ रहा टोट तो मार्क्स बच्चे के हैं डाईसो तो आपको बता दूं क्योंकि पे आपको अभी समझ नहीं आया होगा मुझे पता है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा जुड़े हैं हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे नील होंगे तो आपको नहीं समझ आया होगा तो मैं आपको अभी फील्ड के साथ समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि आपको समझ आ जाए ठीक है तो इस मार्कशीट को मैं थोड़ा सा ऊपर या नीचे कर लेता हूँ तो जहां पे मैं ऊपर से पेंसिल निकाल लेता हूँ ठीक है तो बच्चों को समझाना जरूरी है क्योंकि जॉब्स के लिए अप्लाई होगा आगे किसी भी स्कूल में जाओगे वहां पर ग्रेड मार्क्स नहीं देखेंगे वहां पर जाके देखेंगे आपके मार्क्स तो आपको मार्क्स तो दिए नहीं है किसी भी आपकी जो आपकी वो है मार्क्सिट है तो आपके सामने यही आपके आगे बाधा बन के आ जाएगी आपको गूगल के ऊपर बहुत ज्यादा फाइन करना पड़ेगा तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा ठीक है तो गूगल भी नहीं करेगा तब ठीक है तो मैं आपको गाइड कर देता हूं तो ये है आपके मार्क्स और ये है पेंसिल तो आपके सामने मैंने पेंसिल खोल लिया है तो पेंसिल खोलने के बाद अभी मैं आपको समझाता हूं जैसे कि आपके मार्क्स टोटल मार्क्स वाले बच्चों को बता दूं जैसे कि इस बच्चे को मैंने बताया इसके मार्क्स ढाई सौ है तो आपके तीन सौ भी हो सकते हैं चार सौ भी हो सकते हैं तो इसी मार्कशीट को लेके मैं आपको गाइड करता हूं इसी मार्कशीट को लेके मैं आपको गाइड करता हूं ठीक है तो यहां पर थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं क्योंकि गाइड नहीं कर पा रहा हूं तो यहां पे मैं आपको बता दूं इसी मार्कशीट को लेकर मैं आपको गाइड कर रहा हूं तो थोड़ा सा मिटा देता हूं ठीक है इसके मार्क्स मैंने बताया आपको ढाई सौ है आपके कितने भी हो सकते हैं इसमें कोई वो नहीं

जितनेटी तो दे, तो दे, दे सकता था तो मैंने इसको सेवन दे दिया चलो मैंने ठीक इस, है? तो है, है तो आपको बता दू आपको रेंज देखनी मार्क्स रेंज जहां पर लिखा हुआ आपकी मार्क्सिट के ऊपर लिखा होगा ठीक है एक का हो गया दूसरे का हो गया एटीन तीसरे का मैं देता हूं दिया था पहले मैंने, तो अभी आपको दे दे रहा रहा मैं 74 दिया था, अभी आपको 73 दे रहा हूं, ठीक है 73. ये सबको प्लस करते जाना है ठीक है प्लस चौथे का जीरो फाइव आया था तो मैं इसको फोर्टी थ्री मार्क्स दे रहा हूं एक और प्लस करना है इसके साथ तो यहां पे कर देता हूं तो प्लस करना है और पांचवे का दे सकते हो मैं इसको 55 भी देता हूं क्योंकि का आपको कंप्लीट करना है और ग्रेड मार्क्स में ही देके करना है ठीक है तो यहां पर आप टोटल कीजिए आप हर एक सब्जेक्ट का इसको टोटल कीजिए जब टोटल करोगे आपके सामने ही बनेगा मैंने यहां पे 17 मार्क्स पहले समझाया मगर अभी 18 भी कर दिया अभी भी ढाई बनेगा आपको नहीं समझ आया होगा मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो आर्मी में जाते हैं जो पुलिस में जाते हैं जो कहीं भी जाते हैं वहाँ में मार्क्स की जरूरत रहती है साइबर कैफे वाले फंस जाते हैं उनको भी समझ नहीं आता ठीक है एक बार फिर से बता दूं तो आपको क्या करना है समझने के लिए एक बार मैं आपको बहुत ही प्यार से समझा रहा हूं इसीलिए समझ जाइएगा तो आपको बता दूं जहां पे

अगर आपको 300 मार्क्स आया है फिर भी ऐसे ही समझना है आपने ठीक है 300 मार्क्स को आपने निकालना है जो आपका जो आपको ग्रेड पॉइंट दिया गया है जो मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ है उसी को देख के आपको 300 मार्क्स कंप्लीट करना है पूरे पांचों सब्जेक्टों में ठीक है तो फिर ही आप अपना ग्रेड पॉइंट निकाल पाओगे अन्यथा नहीं निकाल पाओगे जिसको अभी भी समझ नहीं आया जरूर मेरे साथ शेयर करें वीडियो अपना कमेंट करें तो मैं आपको बता दूं जो और भी कोई चार है कि कोई भी टाइप की वीडियो हमारे साथ शेयर करना चाहता है हम वहां पे अपने चैनल पे अपलोड करेंगे अगर इंपॉर्टेंट होगी तो ठीक है तो को कर सकता है इसलिए मार्क्स के लिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड किया अभी भी आपको कोई डाउट है मेरे साथ जरूर शेयर करना डाउट अपना डाउट क्लियर करूंगा क्योंकि चीज है ठीक है जो भी है b1 b2 c d ग्रेड e1 e2 जो भी है फेल है जो भी है जो कुछ भी है तो आपको काम ही आएगा ठीक है तो पहली जो मार्कशीट है ये मैंने ऊपर चढ़ाई हुई इस मार्कशीट का 250 मार्क्स है मेरे हिसाब से ठीक है तो अगर आपको 250 ही लिखा होता तो मैं आपको दिखा देता आपको कितने मार्क्स है मगर बाकी सब्जेक्टों के आपके साफ है कि 61 एट्टीन इसी हिसाब से आपके मार्क्स होंगे जब टोटल बन के आएगा तो मेरे को पूछना कि सर आपने बोला था ढाई सौ है कम कैसे हो गए या ज्यादा कैसे हो गए ज्यादा हो सकते हैं ढाई से कम नहीं हो सकते ठीक है 270 तक हो सकते हैं आपके मार्क्स तो आपको बता दूँ जो भी डाउट रहेगा मेरे साथ शेयर करें मैं मिलता हूं नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए जय